यूपी की लखनऊ सिटी और एमपी की चमचम वेरी फैंटास्टिक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेपर्स एजुकेशन। आई एम रिचा तापड़िया एंड आज मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज प्लानिंग फॉर क्लास 12 विद क्विक रिवीजन फॉर 15 टू 20 मिनट्स हार्डली। उसके साथ मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ, मेमोरी टेक्निक, जिससे आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा एंड आपको वापस बुक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विल स्टार्ट दी चैप्टर प्लानिंग। वॉट इज प्लानिंग? अगर मैं बात करूँ डेली रूटीन की, तो उस केस में अगर हम मॉम की बात करें तो वो क्या करती है, वो एक डेली रूटीन के लिए अपना पहले से प्लान करके रखती है फॉर द नेक्स्ट डे, कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, मुझे लंच में क्या बनाना है और मुझे नाइट में डिनर में क्या बनाना है, राइट? वो पहले से सोच के रखती है, 9 बजे मुझे रेडी रखना है ब्रेकफास्ट, देन 1 o'clock मुझे लंच एंड देन 9 o'clock मुझे डिनर, और क्या क्या बनाना है मेन्यू भी पूरा रेडी रहता है। तो वो क्या है, वो एक तरीके से प्लानिंग है। अगर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों की बात करूँ, तो आप लोग क्या करते हैं, जब हमारी एग्जाम्स रहती है उसके 30 डेज बिफोर क्या रहता है, हम एक टाइम टेबल बना के रख लेते हैं कि मुझे 30 डेज में क्या करना है, मुझे मेरा रिविजन सिलेबस कंप्लीट करना है, 5 डेज में ये चैप्टर, 5 डेज में ये सब्जेक्ट, 5 डेज में ये सब्जेक्ट, ऐसे करके मुझे 30 डेज में मेरा रिविजन कंप्लीट करके क्या करना है, एक टारगेट अचीव करना है और अच्छे परसेंट से मुझे क्लियर करना है, राइट? तो ये क्या है, ये सब प्लानिंग है। तो जैसे हमने देखा कि हमारे एडुकेशन फील्ड में भी प्लानिंग जरूरी है, डेली लाइफ में भी जरूरत है, तो फिर क्या बिजनेस में नहीं होगा? बिजनेस में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमें प्लानिंग करना, क्योंकि उसमें हमारा मोटिव क्या रहता है, पैसे कमाना, प्रॉफिट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, तो COVID-19 में हमने देखा टेक्सटाइल मार्केट्स है, उनके और कुछ सेल हो नहीं रहा है, उनका क्लोथिंग वगैरह सब ऐसे ही जा रहा है, कहाँ जाए लोग COVID-19 में परचेस करके कहाँ जाएंगे पहन के। तो क्या हुआ, इन लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना हम मास्क भी स्टार्ट कर दे सेल करना, लोग और कुछ नहीं तो मास्क तो ले लेंगे। तो वैसे ही आप देखोगे केमिस्ट के शॉप पे आपको सैनिटाइजर मिलने लग गया। तो ये क्या हुआ, उन लोगों ने प्लानिंग की ना कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें और कुछ नहीं तो ये तो हमारा सेल हो ही जाएगा। वैसे तो केमिस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा उन्होंने ही अर्न किया है इस कोविड में, लेकिन अगर हम बात करें टेक्सटाइल्स की तो उनका क्या, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने प्लान कर लिया कि हम मास्क भी सेल करेंगे, मैचिंग के मास्क, फैंसी मास्क और डिस्पोजेबल मास्क, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मास्क उन्होंने स्टार्ट किया। तो क्या था, प्लान, राइट? तो वही हमें प्लानिंग तो समझ आ गया है, तो हम आगे देखते हैं अब इसमें हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है। सो प्लानिंग क्या है, इट इज प्लानिंग इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन इन बिजनेस, कंसीडर देम इन एडवांस एंड प्लान आउट हाउ टू डू दिस एक्टिविटीज। वही जो चीज मैंने समझाई कि इसमें हमें क्या है, एडवांस में ही सोचना पड़ेगा। अगर हमें कल का सोचना है तो हमें आज उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। सो दैट इज टू थिंक इन एडवांस एंड प्लान आउट, हमें उसके लिए एक्टिविटीज जो करनी है उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन डेफिनेशन गिवन बाय बिल गोएट्स, द टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूसिंग। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट हम क्या देखते हैं कौन सा हम उसमें से बेस्ट लें जो हमें प्रॉफिट दे सके। तो वो क्या होता है, चूज। वैसे ही हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, बट हमें जो सही लगता है हम वो चूज करते हैं। तो वही बिजनेस के अंदर होगा, हमें जो भी हम चूज करते हैं दैट इज फॉर प्लानिंग। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, फर्स्ट वन यूनिवर्सल प्रोसेस। हाउ इट कम टू यूनिवर्सल प्रोसेस, प्लान हम देखते हैं एडुकेशन फील्ड में भी जरूरी है, डेली रूटीन में भी जरूरी है, वैसे ही हमारे कोई भी रिलीजियंस में भी जरूरी होता है, वैसे ही बिजनेस में होता है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से यूनिवर्सल प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी हम बोले अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन है कौन सा, प्लानिंग। प्लानिंग होगा उसके बाद ही आगे ऑर्गेनाइज होगा, आगे कंट्रोलिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, मॉनिटरिंग, लीडरशिप, ये सब कब होगी, जब प्लानिंग होगा। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी फंक्शन होगा। मेंटल प्रोसेस, ये एक मेंटल प्रोसेस हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि मुझे इसमें सोचना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मैं बिजनेस खोल के बैठ जाऊंगी, मुझे ये देखना पड़ा ना कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ उसकी डिमांड है या नहीं। तो मेंटली मुझे ये सब कुछ चीजें सोचनी पड़ी। देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमें क्या करना है, हमें प्लान करना पड़ता है, हमें प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि मास्क का, तो जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, बिजनेस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मास्क स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से उन्होंने अपने प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी लाई कि वो उन्होंने सोचा कि हम लोग मास्क स्टार्ट कर दें सेल करना। तो हमेशा प्लानिंग हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है।
प्रिसाइज जब हम प्लानिंग करते हैं तो एक तरीके से हमें लगता है कि ये चीज हो सकती है, एक्यूरेसी आती है, तो उसे बोला जाएगा प्रिसाइज, कि हमें एक तरीके से एक हद तक हमें एक्यूरेसी मिल जाती है। फॉरकास्टिंग इज एसेंशियल। अगर मैंने सोचा कि मैं मास्क भी स्टार्ट कर दूं सेल करना, तो मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर का सोचा, या 2 साल या मुझे लग रहा है 1 साल, 1 साल तक तो मुझे लग रहा है इसकी डिमांड हो जाएगी, तो ये क्या था, मैंने फ्यूचर का सोच के किया। सो दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर फॉरकास्टिंग इज एसेंशियल। लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, अब इसके अंदर हम देखते हैं, हमारे पास जब भी हम कोई चीज प्लान करते हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स रहता है। मैंने कहा मुझे सबसे ज्यादा मास्क सेल करने, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है, मैं क्या करूंगी, या तो मैं प्राइस कम कर दूंगी सेल गुड्स की, राइट, या मैं बहुत एडवर्टाइज करूंगी, सेल प्रमोशन करूंगी। तो ये सब क्या है, ये लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है जिसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, जो मुझे सही लगेगा मैं वो ऑप्शन ऐड कर दूंगी। या जब मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, मास्क सेल करना है, तो इसके पास मेरे पास ऑल्टरनेटिव है कि मास्क में सेल मैन्युफैक्चर करके करूं, या फिर ट्रेडिंग करके करूं, परचेस करके सेल कर दूं। तो ये क्या हुआ, लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। कंसर्न विद फ्यूचर, कि ये हमें फ्यूचर के लिए मोटिवेट करता है, कि हमें ये फ्यूचर के लिए सोचना पड़ता है कि जो मैं प्लान कर रही हूँ अभी, वो मेरा फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को सबको मैं सोच के ये प्लान करूंगी। कंटिन्यूस प्रोसेस है, जरूरी है, ऐसा है कि मैं प्लान अभी कर दूंगी फिर मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, नहीं ना, मुझे बिजनेस के स्टार्टिंग से एंड तक प्लानिंग कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अभी मैंने सोचा मास्क सेल करना है, बाद में इसकी डिमांड नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी प्लानिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है, राइट। तो ये प्लानिंग हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तक चलती रहेगी। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, ये क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है, जो हम प्लान करते हैं वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, कि मुझे बिजनेस में क्या करना है, प्रॉफिट अचीव करना है, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए मैं प्लानिंग करूंगी। एंड लास्ट इज रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस। प्लान जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेस के अंदर, कि मुझे कौन सा रॉ मटेरियल परचेज करना है, मुझे कौन सी पैकिंग करनी है, बहुत सारे अल्टरनेटिव हमारे पास यहाँ पे डिसीजन रहते हैं जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है। अब मैंने इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। डैट इज यूपी की लखनऊ सिटी और एमपी की चमचम, वेरी फैंटास्टिक, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, लेकिन अब इसमें देखो जो मैंने कैप्स लिखा है वो डिनोट करेंगे हमारे पॉइंट्स को। जैसे यूपी, तो यूपी कैप्स में है, इट इज फॉर यूनिवर्सल प्रोसेस एंड प्राइमरी फंक्शन, राइट। देन लखनऊ का एल, एल इज फॉर लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव। देन सी, सिटी, सी इज फॉर कंसर्न विद फ्यूचर। देन ओ आर, और इज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड रिक्वायर डिसीजन प्रोसेस। एम पी, एम पी मेंटल प्रोसेस एंड प्रिसाइज। देन चमचम, सी इज फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस। वेरी फैंटास्टिक, फैंटास्टिक में मैंने डबल एफ दिया है, दैट इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फॉरकास्टिंग इज इसेंशियल। सो दिस वे यू कैन लर्न दिस 11 पॉइंट्स, ये मेरी टेक्निक थी, शायद इससे आप बहुत जल्दी से आपको लर्न हो जाएगा। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का, इट इज अ सिस्टमैटिक वर्क। ऑब्वियसली हम कुछ प्लान करेंगे तो सिस्टमैटिकली होगा, इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमारे बहुत कम होंगे। क्यों, क्योंकि हमने सब कुछ प्लान करके रखा है, तो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट कम होंगे। इट रिड्यूस अनसर्टेनिटीज, हर चीज के लिए हमने प्लानिंग करके रखी है तो अनसर्टेनिटीज कम होगी। लीड्स टू प्रिसीजन, क्योंकि एक्यूरेसी दिखाएगा। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने ये प्लानिंग किया है। स्मूथनेस इन अदर मैनेजेरियल फंक्शन, हर फंक्शन के लिए हमने प्लानिंग की है तो स्मूथनेस आना ही है। इट इंक्रीजेज एम्प्लॉय कॉपरेशन, सब लोग कॉपरेशन करके इसको अकम्प्लिश करेंगे तो उस केस में एम्प्लॉयज का कॉपरेशन इंक्रीज होगा, कंट्रोलिंग होना ही है। प्लान जब मैं करूंगी तो थोड़े थोड़े टाइम में मैं क्या करूंगी, चेकआउट करूंगी, तो उससे कंट्रोलिंग होगा। एंड इट कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज जब कोऑर्डिनेट होगी तभी तो हमारा बिजनेस सक्सेस हो सकता है। सो ये सब क्या था, ये सब इंपॉर्टेंस था प्लानिंग का। अब हमने इंपॉर्टेंस देख लिया तो कुछ लिमिटेशंस भी हमें पढ़नी पड़ेगी। क्या लिमिटेशंस है, अनसर्टन फ्यूचर, अनसर्टन फ्यूचर। हम प्लान उस चीज के लिए करें जो हमें पता ही नहीं अगर फ्यूचर में होगा क्या, क्या इसकी डिमांड फ्यूचर में होती रहेगी, नहीं पता ना, तो ये क्या है, ये एक तरीके से लिमिटेशन हो गई।
देन एक्सपेंसिव प्रोसेस। जब हम प्लान करते हैं तो उसके पहले हमें रिसर्च करना पड़ता है, हमें बहुत टाइम लगता है, हमें बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सब क्या है बेटा, ये एक तरीके से एक्सपेंसिव प्रोसेस है। देन टाइम कंज्यूमिंग, जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पूरा प्लान जब हम करते हैं, हमें एक एक चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है, तो इट्स टेक मोर टाइम। प्लानिंग इज इररिलेवेंट, व्हाई? क्योंकि हमें पता नहीं फ्यूचर में ये प्लानिंग कितनी सक्सेस होगी, हमने सिर्फ प्लान किया है, अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब पता चलेगा। तो प्लानिंग एक तरीके से इररिलेवेंट हो गया। देन इट टेंड्स टूवर्ड रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब एक तरीके से रिजिड हो जाता है, क्यों? जल्दी से फ्लेक्सिबिलिटी अराइज हो नहीं पाती, क्योंकि प्लान हमने कर लिया तो एक के बाद एक पता है हमें स्टेप्स है, अब उसे वापस पूरा चेंज करना जल्दी से इजी नहीं होता। सो इट विल टेक टाइम, और ये क्या है, एक तरीके से रिजिडिटी क्रिएट कर देता है। क्लियर? देन अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या मुझे पता है अभी डिमांड है इस चीज़ की, आगे होगी या नहीं? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का मुझे नहीं पता, लोगों का बिहेवियर कब चेंज हो जाता है, डिमांड कब चेंज हो जाती है, वो हमें नहीं पता। तो क्या मेरा अभी जो बिजनेस है वो बाद में सक्सेस होगा? जैसे मास्क का मैंने लिया तो कब तक चलेगा? जब तक कोविड है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो एक तरीके से लिमिटेशन हो जाती है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मैंने जो चीज़ की प्लानिंग मैं कर रही हूँ, अगर मुझे उसमें एक्यूरेट एक तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगी? क्योंकि मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उस तरीके से मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी। मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि कॉम्पिटिटर्स की प्राइस इतनी है और वो मुझे इन्फॉर्मेशन गलत मिल गई, तो उस बेसिस पे मैंने मेरी प्राइस डिसाइड की और वो क्या हो गई, अनसक्सेसफुल हो जाएगा मेरा बिजनेस। देन रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। क्यों क्रिएटिविटी में क्यों रेस्ट्रिक्शन आ गया? क्योंकि प्लान जब किया है तो सबको ऑलरेडी डिवीजन दे दिया वर्क का, उनको उसके अकॉर्डिंग ही करना है, तो इसमें जो टैलेंट रहेगा एम्प्लॉयज का वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। यूज ऑफ फॉल्टी मैथड्स। जो मैथड्स हमने इसमें, हमें कोई ना कोई मैथड्स यूज करना पड़ता है। जब मैं प्लान करती हूँ, मुझे डेटा कलेक्ट करना है, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल मैंने डेटा लिया, लेकिन जो डेटा लिया अगर मैंने उस पर अच्छे से वर्कआउट नहीं किया तो मेरा जो प्लान है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये क्या थे, ये कुछ हमने लिमिटेशंस इसके अंदर देख लिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है प्लानिंग की? सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मुझे एक ऑब्जेक्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे मास्क सेल करना है विद यू ऑब्जेक्टिव, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अटेंड करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। जो मैंने प्लान किया है, अब मैं प्रीमाइसेस में तो बताऊंगी कि सिर्फ खुद ने मैंने सोच लिया, ऐसे तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगी, मैंने ये प्रीमाइसेस को मुझे बताना पड़ेगा, मुझे कुछ अजम्पशंस, कुछ हम फॉरकास्टिंग करके प्लान करते हैं वो मुझे बताना पड़ेगा ना, कि प्लान मैंने क्यों किया है इस चीज़ को अज्यूम करके। मुझे लगता है आगे इंटरनल और एक्सटर्नल ये फैक्टर्स इस चीज़ को अफेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, वो मुझे सब चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। देन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने प्लान कर लिया, मेरा ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, मैंने प्रीमाइसेस में बता दिया, अब मुझे उसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन एनालाइज करनी पड़ेगी कि मैंने क्या रिसोर्सेज चाहिए, मुझे क्यों रॉ मटेरियल्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। देन प्रिपरेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव प्लान्स। ऑल्टरनेटिव प्लान्स मतलब, अब मैंने ये सोचा मास्क तो बना लूंगी, लेकिन कौन सा बनाऊँ, डिस्पोजेबल, फैंसी, कैजुअल, मैचिंग, कौन सा ही बनाऊँ, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है मेरे पास, तो मैं देखूंगी इसमें से मुझे कौन सा सही लग रहा है, वो मैं एक तरीके से ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे प्लान करूंगी। देन इवेल्युएशन। अब जैसे मैंने कहा मास्क में इतनी वेराइटीज है, तो वैसे भी मैं सोच सकती हूँ या मैन्युफैक्चर करूँ या परचेज करके डायरेक्ट सेल करूँ, वो भी तो अल्टरनेटिव हुआ। उसके बाद इवैल्यूएशन करूँगी कौन सा सही पड़ेगा मुझे, है ना, जो मुझे सही लगे मैं वो अल्टरनेटिव डिसाइड करूँगी। देन सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब इसमें से बेस्ट मेरे लिए कौन सा होगा, मैं वो देखूंगी कि डिमांड इसकी अच्छी होगी, इससे मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, वो अल्टरनेटिव सेलेक्ट करूंगी। फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी। अब सब्सिडरी प्लान क्या हो गया, जैसे टेक्सटाइल मार्केट्स ने एक तरीके से ये प्लान किया मास्क हम स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या हुआ, सब्सिडरी। जब मेन प्लान के साथ हम कुछ छोटा मोटा काम कर लेते उसे बोला जाता है सब्सिडरी प्लान। एंड उसके बाद लास्ट में मैं क्या करूंगी, पूरा ये इवैल्यूएशन करूंगी जो मैंने प्लान किया है, क्या मुझे लग रहा है सब कुछ सही है या नहीं। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से पूरी मैंने प्रोसेस आपको प्लानिंग की बता दी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग भी बहुत टाइप्स के होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब जब हम बात करते हैं रिपीटेड, हमें कोई प्रोसेस जब रिपीटेड सिचुएशंस आती है तो हमें ये प्लान की जरूरत होती है, उसे बोला जाता है स्टैंडिंग प्लान। जैसे मैंने कह दिया कि अगर गुड्स मुझे डिलीवर करने कंज्यूमर को, तो मैं क्या करूंगी, कौन सी प्रोसेस यूज करूँ, कैसे करूँ, तो ये सिचुएशन बार बार में आएगी, तो इसके लिए जो प्लानिंग बनाई जाएगी उसे बोला जाएगा स्टैंडिंग प्लान।
स्ट्रेटेजिकल प्लान, स्ट्रेटेजिकल प्लान जो होता है वो होता है टॉप मैनेजमेंट के लिए, जो स्ट्रेटेजीज बनाना है कि मुझे अगर सबसे ज्यादा सेल करना है तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, जो हर बिजनेस की अलग होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, सीक्रेट होती है. तो ये कौन बनाएगा? ये बनाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन टैक्टिकल मैनेजमेंट, टैक्टिकल प्लान ये क्या होता है? ये होता है हमारा लोअर एंड मिडिल क्लास, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए, जो कि स्ट्रेटेजी प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो बनाता है, उसे बोला जाता है टैक्टिकल प्लान. देन ऑपरेशनल प्लान, जो हम बोलते हैं डेली रूटीन में प्लान बनाया जाता है, मंथली इतनी सेल करनी है, मंथली 10 लाख की सेल करनी है, तो ये क्या हो गया? ऑपरेशनल डेली रूटीन का प्लान हो गया. सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज से समझ में आ रहा है, एक बार ये प्लान किया जाता है. जब रिपीटेड होता है तो हो गया स्टैंडिंग. जब सिंगल यूज मतलब कि अगर मुझे बिजनेस में कोई बड़ा एक्सपांशन करना है तो उसके लिए मुझे प्रॉपर प्लानिंग चाहिए. कि क्या एक्सपांशन बार बार हम करते हैं? नहीं, हमें कुछ न्यू करना है तो उस केस के लिए मुझे सिंगल यूज प्लान, जैसे मैंने कहा टेक्सटाइल्स ने मास्क बनाना स्टार्ट किया, मास्क का प्लान किया, तो वो क्या हुआ? सिंगल यूज प्लान, यू नो, इन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की. देन कंटिजेंसी प्लान, कंटिजेंसी आगे फ्यूचर में कुछ भी कंटिजेंसी आता है, फ्लड, फायर हो सकता है, या कुछ भी डिमांड में ऊपर नीचे हो सकता है, अप डाउन आते रहते, तो उसके लिए हमारे पास हमेशा प्लान होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि हमारा बिजनेस लॉस में नहीं जाए, हमारे पास हमेशा अल्टरनेटिव्स होना चाहिए, तो उसे बोला जाता है कंटिजेंसी प्लान. तो ये सारे प्लान होने बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए. क्लियर? नाउ लास्ट इज कॉम्पोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग. क्या होता है ये? फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव के बिना क्या प्लान कर सकते हो? मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ तो होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, मुझे क्वालिटी मैक्सिमाइजेशन अच्छा चाहिए, मुझे सेल्स मैक्सिमाइजेशन चाहिए, जो होगा वो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा. सेकेंड स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी? कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएगी वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कि कैसे हम स्ट्रैटेजीज बनाएं, दैट इज स्ट्रैटेजीज. पॉलिसीज, पॉलिसी हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती है. हमें क्रेडिट डेज की पॉलिसी कितनी रखनी है? मैं सेल करूंगी उसका मैं 30 डेज का क्रेडिट देती हूँ, दैट इज अ पॉलिसी. तो ऐसे पॉलिसीज बनाई जाती है. प्रोसीजर, प्रोसीजर एक डिटेल प्रोसीजर मेथड होगी जो कि बताई जाएगी इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है. रूल्स, हर बिजनेस में कुछ रूल्स होते हैं. इंटरनेट आपको इस टाइम से इस टाइम तक यूज करना है, आफ्टर वर्किंग डेज में आपको, वर्किंग आवर्स में आपको इंटरनेट यूज ही नहीं करना, तो ये क्या है? कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. एंड बजट, बजट मैं बोलूंगी सेल्स बजट हमारा इतना है, मंथ का मुझे 10 लाख यहाँ पे सेल्स करनी है, कॉस्ट बजट ये है, तो डेट विल कवर इन बजट. एंड लास्ट इज प्रोग्राम्स. प्रोग्राम में हम क्या बोलेंगे? कुछ हमारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या होगी? डिटेल डिस्कशन होता है कि किस तरीके से वर्कआउट करना है, डेट इज प्रोग्राम. तो ये सब हमने क्या पढ़ा? मैंने बहुत क्विकली आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, एंड होपफुली आप सबको समझ में आया हो. कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, आपको कुछ भी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ओके, सो डन फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट. बाय.